भुना हुआ जीरा ये तो जरूर डालना चाहिए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कौन सा डे है पता नहीं कौन सा डे है। आज फ्राइडे है शायद, नहीं थर्सडे। तो अभी मैं ये देख सकती हूँ मैं कितने बजे उठ गई हूँ। आज 6:30 बजे 11 सो रही है, इसको उठाना है। आज मैं जल्दी नहा ली, 6:30 बजे नहा ली। बस ऐसे ही मन कर रहा था आज अच्छे से नहा के। मैंने मॉइस्चराइज़र लिप बाम हल्का सा लगाया, लिप टिंट है ये। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि व्लॉग कंटिन्यू करूँ, रोज़ रोज़ डालूँ, तो मैंने आज भी डालने के लिए मैंने बनाना शुरू कर दिया। और अभी 11 को उठाऊंगी, 7 बजे उठाऊंगी उसको, और उसका 8 बजे का स्कूल है तो वो अच्छे से नहा धो के उसको भी भेजूंगी और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और सबसे पहले पता है क्या है, हमारी सोसाइटी में इतना गर्म पानी आता है ना, या तो सुबह नहा लो, जल्दी नहा लो, या फिर 4 बजे 5 बजे के बाद नहाओ शाम के, इतना उबला पानी आता है। या तो भर के रख लो पानी, तो उतने में मैं 2 बाल्टी से नहीं नहा सकती, ढंग से नहाना पड़ता है। उसके हेयर वॉश भी करना था आज, तो मैंने हेयर वॉश किया और ये गए हुए हैं मुंबई, आज आ जाएंगे रात तक। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से नहावा लेती हूँ। और आपको पता ही है, आप मेरे को लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई ना, जल्दी उठने से यही होता है, खाने का फिर लगता रहता है। तो अभी मैं 11 से नहाती हूँ। तो ये 11 उठ चुकी है और नहा के चुकी है, नहा चुकी है। तो अभी इसको मैं रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फुल मास्क कह रही हूँ। 11 हाय कर, हाय हाय। चलो अब चलो, ऊपर कैसे क्लाउड हो रहे, वाओ देखना तो प्यारा है यार, सीरियसली क्या है सच में, वाओ रोशनी आ गई बहुत सुंदर। तो गाइस मैं ये रोज भिगोती हूँ बादाम, हम सारे खाते हैं ये बादाम, भिगा के ही खाना चाहिए गर्मियों में, तो आपको पता ही है। और ठंड में आप ऐसे ही खा सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। गर्मी का हाल देख लो, और बारिश आने को नहीं हो रही है, और पूरा मौसम है, और बस आ नहीं रही है, ये देखो, और धूप भी है वो भी है। सो गाइस इस टाइप से बल्ले मैंने निकाल दिए हैं, और अब इसको भिगो देंगे, और इसके बाद दही बल्ला बना के खा सकते हो आप। इसको ठंडा होने के बाद भिगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। इसमें मैंने हींग डाली है, नमक डाला है, और मैंने बल्ला पहले डाला हुआ था, तो इसमें दोबारा हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिर से डाल रही हूँ, मैं डालूँगी इस पानी में। तो ये पीस के इस टाइप से हो जाएंगे वाइट कलर के, और अब मैं इसको निचोड़ निचोड़ के जो पिछली बार बनाया था ना उसी टाइप से बनाऊंगी, बहुत अच्छे बने हैं। इसको निचोड़ दो, ये घर पे ही बनाई हुई है मैंने, सारी चीजें घर पे बनाई हुई है मैंने, जितना मीठा करना चाहते हो कर सकते हो आप, मैं कम करूँगी। ये है हरी चटनी, हुआ जीरा ये तो जरूर डालना चाहिए, और अनार, नमक और मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा नमक, मिर्च लाल पाउडर, और दैट्स इट। खा लो, अब बन गया। पापड़ी डालिए, पापड़ी ऐड कर सकते हो आप। तो ये खा के बना के देख सकते हो घर पे, बहुत टेस्टी बनेंगे दही बड़े, या दही भल्ले भी बोल सकते हैं, ग्रीन चटनी और लाल चटनी और दही के साथ। तो फाइनली बारिश आ गई है, बहुत दिनों बाद बारिश हुई, मतलब बहुत देर बाद, सुबह से बन रहा है मौसम, रात से बन रहा है। अब मैंने एक्चुअली में कपड़े वो करे ना, इसलिए हो रही है, कपड़े धो दिए,
अब कपड़े कहाँ सुखाऊँ पता नहीं। और जो मैंने भल्ले बनाए हैं ना वो मैंने इस टाइप से रख दिए। अभी इसको भिगो, हल्का गुनगुना थोड़ा सा ज़्यादा पानी करके उसमें हींग और नमक डाल के भिगा दूँ। तो ये भिगा के रख रही हूँ कल के लिए। तो इस टाइप से आप रख सकते हो। अगर आप भिगा के रखोगे तो ख़राब होने की जल्दी हो जाती है, जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसको ऐसे ही रखो। अब तो मैं दही बल्ला इस टाइप से रख देती हूँ, मतलब दही का बड़ा। तो अभी इसको ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी। आपने भिगाने हैं ना उस हिसाब से आप भिगो दो, 4, 5 या 6, 7 या सारे भिगोने सारे भिगो दो। मैं सिर्फ 4-5 भिगोंगी, ज़्यादा नहीं भिगोरी। ये हींग डालनी है, हींग ना बहुत थोड़ी सी डाल दें क्योंकि ये बहुत हार्ड हींग है, इसलिए हींग, नमक और गर्म पानी। अभी ये डाल दो, जितना भी हो रहा है। हार आ रही है बारिश और क्या सही टाइम पे मैंने ये भिगाए हैं, मतलब खाए हैं। ये भीग जाएंगे बहुत अच्छे से, फिर इसको ठंडा करके खा लो जब मर्जी। ऐसे रख सकते हो आप। सुबह से अभी तक हाथ नहीं लगाया था फ़ोन पे, अभी स्टार्ट करिए वीडियो बनानी, मैं भूल गई थी ब्लॉग बनाना। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें करनी है, कह रहा ये रही। और मैंने ना एक पैन लिया था, जो सॉस पैन नहीं होता जिसमें चाय बनती है, उसका ना हमारी मेड थी बहुत साल पहले, अभी तो मैंने नहीं ला रही, 3 साल से मैंने मेड नहीं लगा रखी है। तो ना उसने ना हमारा हैंडल तोड़ दिया था, इतनी तेज की उसने घिसने की कोशिश की उसने हैंडल। और मैं 1 साल से भैया के पीछे पड़ी हूँ, भैया प्लीज़ ला दो मेरे को उसका हैंडल ला दो। नॉन स्टिक फ्राई पैन है, फ्राई पैन है तो वो लेने जा रही हूँ। तो आज फाइनली शायद मेरे जाए। इतने दिनों से मंगाया हुआ है ना मैंने, साल हो गया, साल 1.5-2 साल। बहुत जब मैं चलो चलते, अभी देखते हैं आज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गाइस हम आए थे, उस भैया ने धोखा दे दिया हमको। और पता क्या किया, आज की वेडनेसडे को ना बंद होती है मार्केट, और उनको भैया को नहीं पता होगा कि वेडनेसडे को बंद होती है। तो मैं वेडनेसडे आ गई नीचे, तो मार्केट खुली होती है, कोई कोई खोलता है कोई कोई नहीं खोलता, किसी को छुट्टी चाहिए होती है किसी को नहीं चाहिए होती। तो अभी हम घर जा रहे हैं, हमने क्या रहे के लिए एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, स्कूल में एक्टिविटीज़ है इसकी, तो उसके लिए सामान ले लिया है मैंने। और अब चल रहे हम घर, बाहर शर्मा चल रहा है आवाज़ जो आ रही है ना, क्या रहे क्या रहे के लिए हेयर बैंड लिया है मैंने। चलो चलते हैं।